मैं भारत मां का पुजारी हूं, मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहने, शक्ति स्वरूपा आप है, क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे? क्या मौका देंगे? क्या शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है। और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। साथियों, तेलंगाना की ये धरती कोई साधारण धरती नहीं है। ये वो धरती है जिसने अंग्रेजों से संघर्ष किया, जो रजाकारों के अत्याचारों से लड़ाई लड़े। इस धरती ने देश की अखंडता और सम्मान के लिए संघर्ष किया। बावजूद इसके आजादी के बाद तेलंगाना को कांग्रेस के सियासी षड्यंत्रों को सहना पड़ा।